Hi guys and welcome to MB's Man Cave. A monk who sold his Ferrari. ये तो आपने सुना होगा ना, बहुत famous book है. But what about the monk who sold beer? एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे monks मिलकर बनाते हैं ये beer, Shime beer, जिसका आज के Beer Thursday में हम review करने वाले हैं. Beer Thursday, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इतनी सर्दी आ गई है, अभी Beer Thursday चल रहा है. भाई अंदर गर्मी होनी चाहिए, हम तो पूरे साल बियर पीते हैं और इसीलिए बियर थर्सडे विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज वी आर ड्रिंकिंग बियर. जी हाँ, Shime बियर फ्रॉम बेल्जियम. इट्स अ ट्रैपिस्ट बियर, ट्रैपिस्ट्री जिसे हम बोलते हैं, या ट्रैपिस्ट वो लोग जो मंक्स होते हैं जो इस बियर को बनाते हैं. सिमिलर टू मंक्स, ट्रैपिस्ट दे ऑल्सो हैव अ मोनेस्ट्री वेयर दे लिव, बट एज पर देयर रूल. अब अगर मैं ट्रैपिस्ट के बारे में आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगा कि क्या होते हैं ट्रैपिस्ट, व्हाट डू दे फॉलो, तो वीडियो लंबा हो जाएगा एंड आई एम श्योर आपको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है. बट द मेन फैक्ट इज दैट एज पर ट्रैपिस्ट रूल्स ऑफ लाइफ, दे आर ओनली अलाउड टू अर्न देयर लिविंग. वो डोनेशन लेके अपना पेट नहीं भरते हैं, दे हैव टू अर्न देयर लिविंग. सो इसी वजह से जो दुनिया भर में अलग अलग ट्रैपिस्ट्रीज हैं, दे प्रोड्यूस सम प्रोडक्ट. कोई चीज़ बनाता है, कोई चीज़ बनाता है और कुछ ट्रैपिस्ट्रीज ऐसी भी हैं जो बियर बनाकर फिर उसे बेचकर अपनी कमाई करती हैं. शायद आप लोगों के लिए एक नया कंसेप्ट होगा ये, ऑब्वियसली दिस इज़ न्यू फॉर अस बिकॉज हम लोग अल्कोहल को ऐसी चीज़ों के साथ ज़्यादा एसोशिएट नहीं करते हैं, बट दिस इज़ पार्ट ऑफ द कल्चर. स्पेशली इफ़ यू गो इन यूरोप, you will find not one but many Trappist beer. In fact, 12 recognized Trappist beers हैं दुनिया भर में, जो authentic Trappist beer जिसे हम कह सकते हैं. So it's not that कि बहुत बड़ा number है, it's not a big number. If you are getting to enjoy this beer, getting to drink this beer, then you are getting an experience जो दुनिया में बहुत ही कम लोगों को मिलता है. और उसी वजह से इसका जो प्राइस है वो भी थोड़ा ज़्यादा रखा गया है. दिस इज़ नॉट अ बियर विच यू विल पिक अप एंड हैव अ फ्यू एवरी डे. दिस वन बॉटल ऑफ 330 ml विद 7% अल्कोहल विल कॉस्ट यू ऑलमोस्ट 500 rupees. जी हाँ, 500 rupees फॉर अ बॉटल. ऑब्वियसली इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव. और ऐसी बियर नहीं है जिसे आप हर रोज़ खोल के 3-4 पियेंगे. This is once in a while experience. I am not sure कि वो experience worth होगा कि नहीं होगा. मुझे लगेगा कि beer तो चलो अच्छी थी. I have not tried it, but I am definitely looking forward to. So Shime beer की शुरुआत हुई थी 1862 में in Shime, Belgium. Shime region में ही एक trappistry है जहाँ ये beer बनती है. There are different variants of beers which they make. This is brown ale, which has a good amount of malt, wheat, and some additional adjuncts as well. Kya hai wo adjuncts? I'm not sure. It just says spices, so I'm looking forward to tasting it. And this is one of the only 12 authentic Trappist beer in the world. Authentic Trappist beer kya hoti hai? Basically, there are very strict laws to follow, aur uske baad hi aapki beer ko ऑथेंटिक ट्रैपिस्ट बियर का जो बैज है वो मिल सकता है. देर आर अराउंड 7,000 ट्रैपिस्ट बियर इन द वर्ल्ड, बट सिर्फ 12 ही ऑथेंटिक ट्रैपिस्ट बियर का उनके पास बैज है. और देर आर बेसिकली 3 रूल्स जिनको फॉलो करना पड़ता है, और उसके अलावा छोटे छोटे रूल्स और भी हैं, बट जो 3 मेन रूल्स हैं वो है कि सबसे पहला कि जो बियर बनती है वो उसी मोनेस्ट्री में ही बननी चाहिए, और जो बियर बनाते हैं वो सिर्फ मंक्स ही बना सकते हैं. दे कैन नॉट गेट अनदर पर्सन फ्रॉम आउटसाइड टू मेक द बियर. जो सेकंड रूल है वो है कि जो बियर मेकिंग है शुड नॉट बी द मेन थिंग इन द मोनेस्ट्री. जो बियर मेकिंग का प्रोसेस है दैट शुड बी सेपरेट. उनका जो वे ऑफ लिविंग है दैट शुड बी सेम एज अदर मंक्स, अदर ट्रैपिस्ट. ये नहीं कि बस वो पूरा दिन बियर ही बनाएंगे जस्ट टू सेल मोर बियर. That should be a secondary thing. और third जो rule है वो ये कि जो beer making है वो बिल्कुल भी profit making के लिए नहीं होना चाहिए, profit generate करने के लिए नहीं होना चाहिए. This should be just to support their lives, but it should not be seen as a way of making profit.
एज ए सेड और भी छोटे छोटे और भी रूल्स हैं, बट दीज आर द थ्री मेन रूल्स. और सिर्फ 12 ऑथेंटिक ट्रैपिस्ट ब्रूरीज हैं वर्ल्ड वाइड जो इस रूल को फॉलो करती हैं. सो यस, इट इज़ एन एक्सपेंसिव बियर, बट अगर देखा जाए तो दिस इज नॉट बींग सोल्ड टू जनरेट प्रॉफिट्स फॉर कंपनीज. यू आर डायरेक्टली काइंड ऑफ डोनेटिंग टू द ट्रैपिस्ट्री, आप ये सोच सकते हैं. और 500 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है. अगेन एज ए सेड, दिस माइट नॉट बी अ बियर जो आप जिसकी आप पेटी लेके जाएंगे या रोज़ बैठ के 3-4 खोल के पियेंगे. दिस इज समथिंग ऑफ एन एक्सपीरियंस एंड दैट्स वॉट वी आर डूइंग टूडे. वी आर हैविंग एन एक्सपीरियंस. और अगर आप सोचते हैं कि बियर अच्छी होगी कि नहीं होगी, खरीदे कि ना खरीदे, तो मैं बैठा हूँ ना आप लोगों को खोल के अपना रिव्यू दूंगा एंड देन यू कैन डिसाइड वेदर यू वॉन्ट टू गेट इट और नॉट. चलिए खोलते हैं बियर को एंड लेट्स स्टार्ट द टेस्टिंग. सो when it said ब्राउन एल, मुझे लगा था शायद थोड़ी एम्बर एल होगी ब्राउन, क्योंकि बहुत सारे बियर्स में लिखा होता है, बट दिस इज एक्चुअली ब्राउन. बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर है इसका. शायद कैमरे में ब्लैक लग रहा होगा, बट इट्स एक्चुअली ब्राउन. थोड़ी सी बियर बची है एंड इट्स गुड अमाउंट ऑफ फ्रॉथ एज वेल. अच्छी खासी फ्रॉथ बन गई है एंड माइंड यू दिस इज अ मिक्स ऑफ मॉल्ट एंड वीट स्टार्च इन फैक्ट. और इट डजंट से कि कौन से एडजंक्ट्स इसमें यूज़ करे गए हैं, ऑरेंज या कोरिएंडर जैसे दूसरी और बेल्जियम वाइट बियर में होता है, बट इट डजंट मेंशन दिस. बट डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लुक टू द बियर एंड अभी तक इसका जो फ्रॉथ है, जो हेड अभी तक बना हुआ है, विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव. लेट्स सी इफ आई गेट सम काइंड ऑफ अरोमा. मुश्किल लग रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा हेड है इसका. अ बिट ऑफ हॉपी अरोमा, आई एम गेटिंग स्लाइटली द टैंगीनेस, द सिट्रसनेस, विच इज़ सरप्राइजिंग, क्योंकि जब आप डार्क बियर देखते हैं तो आप इंस्टेंटली दैट कॉफ़ी या जो डार्क चॉकलेट के नोट्स होते हैं जैसे आपको गिनेस बियर से आएंगे, बट दिस इज नॉट लाइक दैट. चलिए टेस्ट करके देखते हैं. इट हैज़ दैट बिटरनेस विच कम्स इन अ स्ट्रॉन्ग बियर, बट आफ्टर टेस्ट इज क्वाइट गुड. टेस्ट में आई एम गेटिंग दैट डार्क कॉफ़ी, बिकॉज जो डार्कनेस होती है वो बियर की वो मॉल्ट को रोस्ट करने से आती है, और उसी की वजह से जो एक बिटर ब्लैक कॉफ़ी का जो टेस्ट होता है वो भी जनरेट होता है एक बियर के अंदर, एंड आई एम गेटिंग दैट फ्रॉम दिस एज वेल. बट देर इज़ ऑल्सो गुड अमाउंट ऑफ हॉपीनेस. सो बियर के साथ साथ जैसे गिनेस की अगर हम कंपेयर करें तो गिनेस में हॉपीनेस काफ़ी कम होती है, जो बिटरनेस हॉप से आती है, बट दिस हैज़ बोथ कॉफ़ी एज वेल एज हॉपीनेस टू इट. आई वुड से दैट इट्स अ मिक्स ऑफ अ रेगुलर लागर जो आप पीते हैं एंड मे बी सम गिनेस, नॉट गिनेस मे बी सम अदर स्टाउट बियर, बिकॉज यू गेट अ बिट ऑफ बोथ इन दिस बियर एंड दैट एक्स्ट्रा अल्कोहल एज वेल. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि इतना कुछ है इस बियर के अंदर, हाउ टू जज इट एंड और कौन सी और बियर से कंपेयर कर सकते हैं इसको, बिकॉज दैट्स दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ बियर दैट यू हैव मस्ट हैव ट्राइड. ऑनेस्टली जब हम बियर की बात करते हैं तो यू ऑटोमेटिकली एसोशिएट बियर विद समर्स, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है. बियर कैन बी एन्जॉयड एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर एंड इवन ड्यूरिंग द विंटर्स. अगर आपको ज़्यादा ठंडी बियर नहीं चाहिए, यू कैन इवन ड्रिंक बियर ऑन एट रूम टेम्परेचर, एंड दिस इज वन ऑफ दोज बियर्स विच कैन ईजिली बी एन्जॉयड एट रूम टेम्परेचर, बिकॉज जो बिटरनेस इस बियर के अंदर है दैट्स क्वाइट नेचुरल बिटरनेस. नेचुरल बिटरनेस मतलब कि जो बिटरनेस हॉप से आती है या क्रिस्टलाइजेशन से आती है, जो शुगर की बिटरनेस होती है, जो एक्स्ट्रा शुगर ऐड की जाती है बियर के अंदर, और उसका जो आफ्टर टेस्ट इतना ख़राब होता है जिसकी वजह से बियर चिल्ड करके पीनी पड़ती है, दैट्स नॉट देयर एट ऑल. दिस इज़ क्वाइट रिफ्रेशिंग बियर. इवन दो बिटरनेस की मैं बात करूँगा, आपको लगेगा कि बिटरनेस क्यों है इतनी ज़्यादा बियर में, दैट साउंड्स क्वाइट ऑफ पुटिंग, बट हर बियर में बिटरनेस होती है और एक वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक है बियर का, दैट ब्रिंग्स आउट द फ्लेवर्स इन दिस बियर, एंड दिस हैज़ क्वाइट अ बिट गोइंग ऑन
आई थिंक कि मुझे पूरी तरह से समझने के लिए इस बियर को ख़त्म करना पड़ेगा पहले। ऑनेस्टली अगर मुझसे पूछा जाए कि 500 रुपये देकर आप ये बियर ट्राई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग टू ट्राई समथिंग न्यू एंड फॉर द कॉज, आई डोंट थिंक इट्स अ बैड बाय, बट एट द सेम टाइम आई मे नॉट buy this beer ever again in my life for 500 rupees. Even though I would love to drink more of this, but I don't think uske liye main 500 rupees kharch karunga. But one thing which I can say that I did enjoy the beer. Kafi pasand aayi mujhe. Yes, overpriced hai, but I am happy that I spent that money to try this beer and experience something completely new and also supported a good cause. बट आप लोग मुझे बताइए कि अगर आपने ये बियर पी है तो कैसी लगी आपको। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स।